नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हो सरकारी पेपर चैनल। दोस्तों जो वैकेंसी है रेलवे की तरफ से निकाली गई है, और दोस्तों जो भर्ती है रेलवे दवा न्यायाधिकरण के पद पर जो है वैकेंसी निकाली गई है, तरफ से निकाली गई है, और ये स्टेनोग्राफर के पद पर है। और दोस्तों इसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद पर जो भर्ती निकाली गई है, इसमें जो योग्यता है 12वीं पास मांगा गया है। अगर दोस्तों आप 12वीं पास हैं किसी भी ऑल इंडिया कैंडिडेट से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट है 11 जनवरी 2024 है, और लास्ट डेट 29 जनवरी 2024 है। उससे पहले इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर लें, 11 बजे तक है सुबह। और दोस्तों इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई आपसे 12वीं पास मांगी गई है, और इसके साथ ही अभ्यर्थी को कंप्यूटर, MS वर्ड, एक्सेल आदि का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार को टाइपिंग की स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट और स्टेनोग्राफर स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें जो रेलवे ने जो शैक्षिक मतलब जो शैक्षिक चयन प्रक्रिया मांगी, शैक्षिक योग्यता चयन प्रक्रिया इंटरव्यू बेसिस पर मांगा है आपसे। और दोस्तों जो है कौशल परीक्षण के आधार पर, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा के अनुसार पर आधार पर आपसे सिलेक्शन प्रोसेस मांगा गया है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको जो सैलरी मिलने वाली है 25,500 रुपये प्रति माह आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। और इसमें जो है रेलवे द्वारा न्यायाधिकरण भर्ती 2000 कैसे जो है फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर की है, तो आवेदन केवल ईमेल के माध्यम से करना होगा, डाक या किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, तो आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। उसमें जो है ईमेल का जो है जानकारी दी हुई है, तो वहां पर फॉर्म भी आप वहां से भर के जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। इसके बाद उम्मीदवार को रिक्वायरमेंट सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उस उम्मीदवार को क्लेम ब्यूटनल स्क्रूटम्स 2024 के लिंक पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों इसके बाद उस उम्मीदवार को नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना होगा। दोस्तों नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इस फॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं, फॉर्म भर के जीमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लाते रहेंगे।